देखो ग्रंथ बहुत हैं, पुराण बहुत हैं, वेद 4 हैं, शास्त्र 6 हैं, पुराण 18 हैं और संतों के अनेक अनेक ग्रंथ हैं, पर उनमें हम वो सब सर्च नहीं कर पाते हैं। कई बार हमारे जीवन भर की एक समस्या का समाधान संत एक क्षण में कथा में कर देते हैं। इतने ग्रंथ पढ़ने के बाद भी जो समाधान नहीं मिलता वो एक सेकंड में मिल जाता है। ये संतों की कृपा है और एक संत न जाने कितनों घरों को, कितने घरों को वो उस पवित्र कर देता है, प्रकाशित कर देता है। भगवान राम सबको नसीब नहीं है, पर भगवान के सेवक संत सबको नसीब है। जिन्होंने जीवन में तैयारी कर ली है अपने अंधकार को मिटाने की, उनके जीवन में जब संत आ जाए तो समझना कि तुम्हारा अंधकार मिट गया, अब यहां से आगे रोशनी की शुरुआत हो गई। भाई साहब, अंधेरी रात हो, लाइट ना हो, रोड पे घोर अंधेरा हो, कोई ऑप्शन ना हो, लेकिन तेरे हाथ में एक टॉर्च हो, 2 बैटरी वाली टॉर्च, वो पूरा रोड नहीं दिखा सकती, वो पूरा रोड नहीं दिखा सकती, लेकिन तेरा अगला कदम सुरक्षित रखे इतना रोड तुझे जरूर दिखा सकती है, इतना मार्ग तुझे जरूर दिखा सकती है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं है उससे तो बढ़िया कुछ है। वो संत ही हैं जो घोर अंधकार में संसार में हल्का सा राम नाम का दीपक तेरे कान में जला जाते हैं और वो कान के थ्रू हृदय में जलता है, और जब हृदय में एक बार जल जाता है तो जीवन में अंधकार का दर्शन नहीं होता, हमेशा प्रकाशित ही जीवन रहता है हमेशा। राम जी मिले कैसे दशरथ जी को? संतों की कृपा से। एक संत ने बहुत अच्छी बात लिखी है, बहुत अच्छी बात, जब राम कृपा करते हैं तो संत मिलते हैं, जब राम कृपा करते हैं तो संत मिलते हैं, और जब संत कृपा करते तो राम मिलते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं जरा। जब संत कृपा करे तो राम मिले। अब बताओ कृपा किसकी बड़ी, राम की कि संत की? किसकी बड़ी? राम ने कृपा की तो संत मिले, और संत ने कृपा की तो राम मिले। सच्चाई यह है जब राम किसी संत को तेरे द्वार पर भेज दें तो इसका मतलब है मेरे प्रभु ने तैयारी कर ली है, तुझे इनविटेशन दे दिया है, नाउ आई एम रेडी, इफ यू वांट टू मीट मी देन आई विल कम टू यू। इंग्लिश मीडियम, जोर से राधे राधे बोलना पड़े। जब राम कृपा करे तो संत आवे जीवन, और संत आ जाए तो फिर राम ज्यादा दूर नहीं। दशरथ जी को भी राम संतों ने दिए, विश्वामित्र जी को भी राम संत ने दिए, और यहां पर जानकी मैया भी जनक जी को संतों की कृपा से मिले। बिन भक्ति बिना गुरु कृपा से नहीं मिलती है, साफ ध्यान रखना। सीता मैया कौन है? बोले भक्ति। कौन है सीता मैया? ईश्वर, राम, लक्ष्मण, जीव, और सीता मैया भक्ति। जीव ब्रह्म को पाना चाहता है, लेकिन जब तक भक्ति की कृपा ना हो जाए तब तक ब्रह्म मिलता नहीं है, और वो ब्रह्म मिलेगा तब जब भक्ति आएगी, और भक्ति तब आएगी जब गुरु कृपा करे। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। Facebook पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। Twitter पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_G फॉलो करें।